किलकारियां गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और हाजिर हूं एक और नई कहानी लेकर। और इस बार की कहानी का नाम है सुनहरा हंस। सालों पुरानी बात है, चंदन नदी में सुनहरे पंखों वाला स्वर्ण नाम का एक अनोखा हंस रहता था। उसके पंख सोने के थे और पूरा शरीर सुनहरे रंग का था। स्वर्ण की सुंदरता के चर्चे पूरे चंदन वन में थे, पर स्वर्ण को अपनी सुंदरता पर बिल्कुल घमंड न था। वो बहुत सरल यानी सिंपल और दयालु था। चंदन नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें सपना अपनी माँ माला के साथ रहती थी। सपना अक्सर तालाब के किनारे बैठकर रोया करती थी क्योंकि उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था और वो नदी का पानी पीकर ही पूरा दिन गुजार देती थी। स्वर्ण ये देखकर बहुत दुखी हो जाता था और एक दिन उसने सपना की मदद करने की ठान ली। उसने सोचा, अगर मैं इन लोगों को रोज अपना एक सोने का पंख दे दूं तो ये लोग उसे बेचकर अपना गुजारा कर सकते हैं। ये सोचकर स्वर्ण सपना की झोपड़ी की तरफ उड़ चला। सुनहरे हंस को देखते ही सपना बोल पड़ी, माँ माँ देखो कितना सुंदर हंस, ये अक्सर मुझे चंदन नदी में दिखता है। माँ स्वर्ण को देखते ही बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो, हमारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें खिलाने के लिए। स्वर्ण अपनी लंबी गर्दन ऊपर करके बोला, मैं कुछ लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ। मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती, मैं तो बस आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और बिना कुछ कहे स्वर्ण अपना एक सोने का पंख गिराकर उड़ गया। जमीन पर पड़े सुनहरे चमकते पंख को माँ बेटी दोनों अचंभे से देखती रहीं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर माला ने उस पंख को बाजार में बेचकर अपनी बेटी के लिए खाने का सामान और कुछ कपड़े खरीदे। सपना ने जिंदगी में शायद पहली बार पेट भर के खाना खाया और फिर नए नए कपड़े पहनकर अपनी माँ को दिखा रही थी। वो स्वर्ण का शुक्रिया अदा करने के लिए चॉकलेट लेकर नदी किनारे दौड़ पड़ी। अब हर रोज स्वर्ण सपना के घर आता, दोनों लोग खूब खेलते और जाते वक्त स्वर्ण अपना एक सुनहरा पंख गिराकर चला जाता। दिन गुजरते गए और सपना के घर के हालात भी सुधरते गए। टूटी झोपड़ी की जगह अब अच्छा पक्का मकान, अच्छे कपड़े, तरह तरह के खिलौने, बेसिकली अब उनके पास सब कुछ था। अब उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। इतना कुछ होने पर भी माला को संतोष न था क्योंकि अब वो ग्रीडी यानी लालची हो गई थी। उसने सोचा, अगर स्वर्ण अपने पंख हमें देना बंद कर देगा तो हमारा क्या होगा, हम फिर से गरीब हो जाएंगे। क्यों ना कल उसे फुसला कर उसके सारे पंख नोच लिए जाए। अगले दिन रोज की तरह स्वर्ण सपना के घर आया, पर जैसे ही वो वापस जाने लगा माला उस पर झपट पड़ी और उसे जकड़ कर पकड़ लिया। स्वर्ण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो घबरा गया और अपने पंख फड़फड़ाने लगा। सपना को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ये क्यों कर रही है। वो अब माँ की तरफ दौड़ी और चीख पड़ी, माँ आप ये क्या कर रही हो, मेरे दोस्त को क्यों चोट पहुंचा रही हो। पर माला कहां सुनने वाली थी, वो बेरहमी से स्वर्ण के पंख एक एक करके नोचने लगी। स्वर्ण को दर्द हो रहा था पर वो चुपचाप था। माला पंख निकाल रही थी पर जो पंख उसने पहले निकाले थे वो सोने की जगह साधारण पंखों में बदलते जा रहे थे। माला प्रश्न भरी नजरों से स्वर्ण को देखने लगी। स्वर्ण बड़े धीरे से बोला, माँ आप और भूखी सपना का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता था, इसलिए मैंने आप लोगों की मदद की। पर आपने लालच में आकर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए मेरे पंख साधारण बन गए। ये सुनकर माला बहुत शर्मिंदा हुई और वहां से चली गई। सपना जो इस सब देख रही थी उसने स्वर्ण को अपनी गोद में उठाया और बोली, दोस्त तुमने हमारी बहुत मदद की है और मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ, लेकिन मेरी तरह और कितने बच्चे होंगे जिन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। अब तुम अपने नए सुनहरे पंखों से उन लोगों की मदद करो। स्वर्ण को सपना की ये बात ठीक लगी और वो खुश हो गया।
और खुश होने पर उसके सुनहरे पंख फिर से आ गए और वो बोला, पर सपना तुम्हें रोज मेरे साथ खेलने आना पड़ेगा। और ये कहकर स्वर्ण ने अपनी उड़ान भर ली। सपना अब रोज नदी के किनारे स्वर्ण के साथ खेलने जाती और उन दोनों की किलकारियां चंदन नदी के तट पर गूंजने लगती। तो बच्चों, ये थी इस बार की कहानी। और इस बार की कहानी से भी हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि लालच बुरी बला है, और दूसरी ये कि कभी भी अच्छाई करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा आगे रहें, हमेशा पहले रहें। तो ये थी इस बार की कहानी और इससे मिलने वाली सीख। इस कहानी को भी लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए या अपने कमेंट्स लिखने के लिए आप नीचे मौजूद तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर अब आप मुझसे जुड़ सकते हैं अगले सोमवार, जहाँ कहानियाँ होंगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी। किलकारी।